अपना भरण पोषण पशुपालन और खेती से कर रही है, और अब भरण पोषण जीवन की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। जीवन कैसे चले, पेट कैसे भरे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस सबसे बड़ी समस्या को हल करने का एक बहुत बड़ा साधन है कृषि, बहुत बड़ा साधन है जीवन की, इसे पेट भरने की समस्या को हल करने का बहुत बड़ा साधन है पशुपालन और खेती। और पशुपालन और खेती को कम से कम खर्चे में कैसे किया जा सकता है, वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपने इस समस्या को हल कर लिया, रोजगार की जीवन चलाने की समस्या को हल कर लिया। और जैसे सुखवीर भाई कह रहा था कि भाई गेहूँ की रोटी भी नहीं मिलती थी, अब तो बादाम भी पड़े रहते हैं और साइकिल भी उधार मांगते थे, अब तो कार खड़ी है, ये भी मान ली, मतलब साधन अपने पास हो गए। आपके पास जीवन के रोजगार की समस्या, जीवन चलाने की समस्या हल हो गई, आपके पास जितने साधन चाहिए सुख सुविधा के आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक समस्या देख रहा हूँ। क्या के ये सब होने के बाद भी क्या आदमी सुखी हुआ, क्या आदमी सुखी है? और ये एक प्राकृतिक वो है हर चींटी से लेकर मनुष्य तक के, दुखी कोई नहीं होना चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं। तो वो उद्देश्य की पूर्ति इन साधनों के उपलब्ध होने के बाद क्या वो चीज़ हमें मिल पाई, नहीं मिल पाई, तो उसका उसके लिए हमारा ये संगठन क्या करे, हमारे साथी क्या करें, और मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। एक समस्या आज मैं देख रहा हूँ कि आपके पास रोजगार की समस्या नहीं है, साधन की कमी की कोई समस्या नहीं है, सब पूर्ति है, उसके बाद भी आप सुखी नहीं हैं, तो एक तो कारण, और ख़ासकर पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में एक समस्या मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि हम बौद्धिक गुलाम हैं, हम बौद्धिक गुलाम हैं। और गुलाम की दोस्तों मैं एक परिभाषा दे देता हूँ, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, मेरी अपनी है, मतलब इस पर मैं कह सकता हूँ मेरी है। मैं गुलाम की परिभाषा बताता हूँ, और ये परिभाषा व्यक्ति से लेकर पूरे देश तक लागू होती है। आपने ये देखना हो कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई देश गुलाम है या आज़ाद है, तो मेरी एक परिभाषा है, वो आप लागू करना, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा क्या। और उसको देख के और मैं परेशान भी होता हूँ और सोचता हूँ कि इस बीमारी को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। तो गुलाम की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, गुलाम व्यक्ति हो, गुलाम समाज हो, गुलाम देश हो, उसके दो लक्षण हैं, दो विशेषता है गुलाम की। नंबर एक, गुलाम अपने आका की नकल करेगा, चाहे उसके मुआफिक आओ चाहे ना आओ। गुलाम व्यक्ति हो, गुलाम समाज हो, गुलाम देश हो, अपने आका की नकल करेगा, चाहे उसके मुआफिक आओ चाहे ना आओ। पहचान नंबर दो, गुलाम अपने आका के आगे पूंछ लाएगा और नीचे वाले के साथ सख्ती से पेश आएगा। आका के आगे पूंछ लाएगा और नीचे वाले के साथ सख्ती से पेश आएगा। ये गुलाम व्यक्ति की, गुलाम समाज की और गुलाम देश की पहचान है। और आप देख लो, किसी व्यक्ति पर लागू करके देख लो, किसी अधिकारी पर लागू करके देख लो, किसी MLA MP पर लागू करके देख लो, किसी सरकार पर लागू करके देख लो, आपका खाना पीना रहना सहना ओढ़ना पहनना बोलना चालना, ये नज़र मार के देखना, आपको लगेगा कि गुलाम हैं हम। पहली ये है कि गुलाम अपने आका की, अपने मालिक की नकल करेगा, चाहे वो नकल उसके माफिक आओ चाहे ना आओ। मालिक कैसे कर रहा है,
कैसा खाना खा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे बोलचाल कर रहा है, कैसा जीवन शैली है, वही नकल करने की कोशिश करेगा। एक उदाहरण दे दूं, अपने देश में जनवरी और दिसंबर, अपने देश के बहुत बड़े हिस्से में जनवरी दिसंबर को छोड़ के 10 महीने तक कोट डालने की, चादर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मी रहती है, राइट। लेकिन मई जून महीने में आपके जज और वकील काला कोट पहनते हैं कि नहीं पहनते, और काला कोट तो वैसे ही गर्मी को अब्जॉर्ब करता है, तो ये कोई तुक है क्या? 2% लोग आपके देश में अंग्रेजी समझते हैं, 2%, और जितना कामकाज होता है और खासकर न्याय में, न्यायपालिका में जिनके लिए फैसले लिखे जाते हैं, जिनके लिए बहस होती है, वो उस भाषा में हो रही है जिसको वो समझते ही नहीं। ये गुलामी है क्या है? तो बहुत सारी बातें हैं, मेरा समय थोड़ा है, तो मैंने एक पहचान बताई, आप लागू करके देखना, ये फिट बैठेगी बिल्कुल गुलाम। तो ये गुलामी है। अब इस गुलामी को ये हमें बड़ी परेशान करती है। दूसरी बात ये थी जो मैंने नोट की कि आपके रोज़गार की समस्या होगी, साधन आपके पास हो गए, आपको भरण पोषण की, पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम हो गया, आपके पास दवा दारू का भी इंतजाम हो गया, लेकिन ये भी आप मेरे से हाँ मिलाओगे कि हमारी हर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी गतिविधि राजनीति से प्रभावित है। हमारी कोई गतिविधि ऐसी नहीं है किसी भी क्षेत्र की, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कि वो राजनीति से अछूती हो, राइट। अब राजनीति जो है ये भी आप सब सहमत हैं, जैसे मैंने सुबह भी बोला था कि भाई राजनीति जनहित के लिए, आज की राजनीति जनहित के लिए नहीं है, आज की राजनीति है कुछ अपने इकट्ठा कर लो, सांस बैठ गया, मौका मिल गया, अपना इकट्ठा कर लो, ये सभी पार्टियों का वो एजेंडा है, और उसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उन सब का यही एक टारगेट है, कोई जनहित के लिए नहीं आता, इसलिए ये परेशानी है। अब और हर एक गतिविधि हमारी इससे प्रभावित हो रही है, और राजनीति का स्वरूप ऐसा बन गया। अब ये इससे छुटकारा कैसे मिले? अब ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने। अब इससे छुटकारा कैसे मिले? इससे छुटकारा मिलेगा कि भाई ये राजनीति सफल कैसे होती है, उस चीज़ को हम समझें। आज की राजनीति को सफल होने में दो बड़े कारण हैं, या दो बड़े तरीके हैं, या दो बड़े उनके साधन हैं जिनके माध्यम से वो अपना हम पर हावी रहते हैं, आम पब्लिक पर हावी रहते हैं, आम पब्लिक की, आम जन की परवाह नहीं करते। एक तो ये है कि हमें वो बांट के रखते हैं, समाज को बांट के रखते हैं, मत पंथ में, धर्म में, जाति पाति में हमें बांट के रखते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इलेक्शन के वक्त हमें कुछ टुकड़ा फेंक देते हैं। ये दो बड़े कारण हैं इन आज के राजनीतिज्ञों की सफलता के, या इनके काम करने के दो मुख्य तरीके हैं, बांटना और लालच फेंकना। तो मैं भाई अब बांटने में जैसे मत पंथ है, धर्म है, जात पात है, रिजर्वेशन है, ये बातें हैं जो हमें बांटने का काम करती हैं। तो एक तो मैंने कुछ अध्ययन भी किया है, कुछ चीज़ों को समझा भी है, तो मैं इस मोर्चे के साथ भी और जितनी मेरी सामर्थ्य व्यक्तिगत है उससे भी धर्म क्या है, जाति क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में मैं समझाऊँ। आस्तिकता क्या है, नास्तिकता क्या है, इसको मैं समझाऊं। अब एक और समस्या आ रही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए जैसे आपने किसी से दुश्मनी निकालनी है तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा करने की, वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, उसके बच्चे की कोई आदत बिगाड़ दो, अब बाकी काम सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी
अब राजनीतिज्ञों का उद्देश्य है कि हम कमजोर रहें ना समझ रहे हैं, हम कमजोर रहेंगे ना समझ रहेंगे तो वो अपने तरीके अपनाते रहेंगे और हमें काबू करते रहेंगे। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान इस नशाखोरी का भी है, हमारे नौजवानों को नशे की चपेट में लिया जा रहा है और स्वास्थ्य के नाम पर मांसाहार को, अंडा खाने को इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मांसाहार है, शाकाहार है, नशा क्या है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि ज़रूरी क्षेत्र हैं और इनके बारे में मैंने कुछ अध्ययन भी किया है, कुछ थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, लिखता भी हूँ। तो मैं आपके प्रोग्राम के इस हिस्से में सहायक हो सकता हूँ, इसमें मैं सहयोग करूँगा। धन्यवाद।